गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष डी वर्मा आप सभी का आपके अपने इंग्लिश लर्निंग चैनल पायनियर इंग्लिश विला पर वेलकम करता हूं। आज के समय में अगर हम बात करें तो इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है, और बिना इंग्लिश के अगर कहें तो सक्सेस टफ लगता है। अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, तो वहाँ इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और हर एक जगह, चाहे छोटे छोटा या बड़े से बड़ा जो भी स्थान है, वहाँ इंग्लिश की बहुत डिमांड है। और आज की जनरेशन इस लैंग्वेज को बोलना चाहती है, इसको सीखना चाहती है, लेकिन समस्या ये आती है कि वो इसको कैसे बोलें या किस तरीके से बोलें। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का मैंने टॉपिक ही लिया है कि आओ जाने सही इंग्लिश कैसे बोलें। मेरा मानना है कि लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हम कह सकते हैं कि हमारी आवाज़ हमारी पहचान होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, लैंग्वेज इज द मिरर ऑफ पर्सनैलिटी। और आज की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। आज बिना इंग्लिश के कोई भी व्यक्ति इस बात को सोचता है कि सक्सेस पाना मुश्किल है। इंग्लिश आज के समय में उस नमक के समान है जो अगर अच्छे से अच्छे भोजन में ना डाला जाए तो भोजन का जायका यानी कि स्वाद जो है, स्वाद तो खराब होता ही है, साथ के साथ उसकी इम्पोर्टेंस भी जो है बेकार हो जाती है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस है, लेकिन आज के इस रैट रेस लाइफ में अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो लोगों का मानना है कि बेकार हैं आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जिनको इंग्लिश आती है सिर्फ वही मतलब सक्सेसफुल हैं, लेकिन आज के समय में इंसानों के दिमाग में, मतलब जो आज की जनरेशन के दिमाग में एक बात आ गई है कि इंग्लिश इज द की टू सक्सेस। और इस कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश को बोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं आपके साथ आज पांच ऐसे पॉइंट्स को शेयर करने जा रहा हूं, जिनका अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आप इंग्लिश को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन एक बहुत ही मतलब उच्चारण जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम किसी बात को, किसी भाषा को बोलते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। एक एग्जांपल है स्कूल, मतलब हिंदी में विद्यालय, एक एग्जाम्पल है स्कूल। अगर हम देखें तो हरियाणा के अंदर, जो मैंने सुना है, जैसा हरियाणा में स्कूल नहीं कहेंगे, सकूल कहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे भी स्थान हैं हरियाणा से बाहर जहां स्कूल को स्कूल भी कहते हैं। तो क्या जाना आपने, मैंने अब एग्जांपल दिया आपको, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि स्कूल को सकूल भी कहते हैं और स्कूल को स्कूल भी कहते हैं। मतलब प्रोनंसिएशन
क्या हुआ, चेंज आ गया। और जब प्रोनंसिएशन में चेंजिंग आई तो ये बात बता देगा कि आप किस क्षेत्र या किस रीजन से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश को सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन आपकी बहुत बेटर है, ठीक है, तो आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर कहलाएंगे। तो इसीलिए आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, और प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टंग प्रैक्टिस, मतलब टंग ट्विस्टिंग जो है, और वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप जो है मतलब पढ़ें जोर जोर से जो है, मतलब आपके सामने जो कंटेंट है, जो भी लाइन है, जो वर्ड्स है, उसको आप जोर जोर से पढ़ें, और जोर जोर से मतलब उसको सही प्रोनंसिएशन में भी यूज़ करें। जितनी अच्छी आपकी प्रोनंसिएशन होगी, उतना ही आपका इफेक्टिव जो है लैंग्वेज होगी, जो सामने वाले सुनेंगे और समझेंगे। दूसरा टॉपिक है वो है ग्रामर। आमतौर पे लोगों का मानना है कि अंग्रेजी बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की क्या आवश्यकता है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि ग्रामर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से इंडियंस को हिंदी सीखने के लिए, जो मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषा, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो जिस तरह से इंडियंस को हिंदी सीखने के लिए किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मतलब बुक की आवश्यकता नहीं होती है, वो हिंदी अपने आप या अपनी जो रीजनल टंग है, गुजराती है या मराठी है या भोजपुरी है या हरियाणवी है, वो सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? उसका एक कारण है, क्योंकि वो उसी परिवेश में होते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी हरियाणवी या गुजराती या भोजपुरी मतलब बोल लेते हैं लोग। तो ये नहीं है कि मतलब उन्होंने सीखा है, उनको परिवेश ने, एटमॉस्फेयर ने सिखा दिया है। इसी प्रकार से जो अंग्रेज होते हैं, जो इंग्लिश मतलब बिलोंगिंग पीपल होते हैं, उनको इंग्लिश बोलनी आती है, वो ग्रामर का यूज़ नहीं करते, आपको लगता है, क्योंकि उनका अपना वो जो है वो उनका अपना एक लैंग्वेज है। लेकिन अगर इस बात को माने कि ग्रामर की आवश्यकता इंग्लिश बोलने में नहीं होती है, तो ये बहुत ही गलत होगा। इंग्लिश में ग्रामर अगर नहीं आती है, तो हो सकता है कि वे लोग आप पर ना हंसें, या वे लोग जो हैं आपकी लैंग्वेज पर जो हैं कोई कमेंट पास ना करें, जिनको कि इंग्लिश नहीं आती है या जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। लेकिन अगर आप किसी मतलब वेल नॉन के सामने इंग्लिश बोलते हैं और ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो शायद आप वहाँ पे एक लाफिंग स्टॉक हो सकते हैं, या सेंटर ऑफ जो है अट्रैक्शन उन लोगों के हो सकते हैं जो आपको नेगेटिवली एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए ग्रामर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है ग्रामर की डेफिनेशन क्या है। तो इसलिए ग्रामर पे भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आती है जो है मतलब एक्सप्रेशन, मतलब आपका हाव भाव कैसा है। मान लीजिए आपको किसी को कहना हो व्हाट इज योर नेम, तो शायद वो बात नहीं आई। आपको कहना हो यू आर श्याम, तो क्या हुआ, हमने बोला है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है। मींस क्या है कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, तो उसके साथ उसका जो एक्सप्रेशन है वो देना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इंग्लिश को बोलने के लिए एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद मतलब आपका जो सेंटेंस है वो समझ आएगा, जो आपकी भाषा समझ आएगी, लेकिन जिस तरीके से मतलब आपको खाना अगर खाना है, तो प्लेट में खाना को लेना है, फिर उसको जो है सही तरीके से गार्निशिंग करना है उसको, मतलब कुछ भी आपको अगर रेसिपी ले मतलब सर्व करना है, तो गार्निश कीजिए ढंग से, तब उसको अगर आप सर्व करते हैं, तो उस खाने का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसको जो मतलब प्रेजेंट करने का, जो सर्विंग करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप भाषा को बोलते हैं, और भाषा को बोलते समय अगर आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, आप सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो बहुत बेटर, बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप दूसरे को बहुत ही आसानी से इम्प्रेस कर पाएंगे। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि मतलब इंग्लिश तो लोग बोलते हैं, इंग्लिश ठीक है बोलते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन जो है मतलब नहीं दे पाते हैं। और जब एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपकी
जो मतलब आपका जो मतलब वे ऑफ मतलब स्पीकिंग है वो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट जिसको लेना चाहिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए एक्सप्रेशन की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4 है फ्लुएंसी, मतलब रफ्तार। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हवाई जहाज उड़ाना है बोलते समय, लेकिन आप साइकिल भी ना चलाएं, ठीक है? अगर आप हवाई जहाज नहीं उड़ा रहे हैं तो साइकिल भी मत चलाएं, क्योंकि दोनों खतरनाक है, दोनों ही गलत है। तो इसलिए जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेंटेंस को जब बोलें तो आपके मतलब एक फ्लुएंसी, एक रफ्तार होनी चाहिए, सुनने वाले को यह लगे कि आप काट काट के बोल रहे हैं, या आप रुक रुक के बोल रहे हैं, या आप अटक अटक के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, आपके पास एक धागा है। अगर आप उस धागे में अगर आप अपनी उंगली फेरेंगे तो आपकी उंगली निकल जाएगी, क्योंकि इसमें कोई गांठ नहीं है। लेकिन अगर कोई गांठ आ जाती है तो आपकी उंगली रुक जाती है। इट मीन्स क्या हुआ कि थोड़ा सा जो है आपका जो अट्रैक्शन है वो डाइवर्ट हो जाता है। मीन्स क्या हुआ कि एक एग्जांपल और देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए आप किसी पेज पर पेन से लिख रहे हैं और आप उसको मतलब पेन आपके बार बार रुक रहा है तो आपको लिखने में मज़ा नहीं है, लेकिन अगर पेन स्मूथ चल रहा है तो आपको लिखने में मज़ा आएगा। तो मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल थ्रेड का और लिखने का इसलिए दिया है क्योंकि यही तरीका होता है बोलने में। अगर आप बोलने में लगातार बोल रहे हैं और एक स्मूथ तरीके से बोल रहे हैं तो सुनने वाले को जो है ज़्यादा अटेंशन, मतलब वो ज़्यादा अटेंटिव होंगे आपकी तरफ, वो ज़्यादा अटेंशन देंगे आपकी बातों पर, और इससे जो है आप एक अलग इम्प्रेशन जो है वो मतलब अपनी उनके सामने बना पाएंगे। तो जरूरी है, मैं आपको यही कह रहा कि बहुत तेज बोलना है, इतना तेज भी नहीं बोलना है कि सारे लोगों को समझ भी ना आए, सर के ऊपर से गुजर जाए, और इतना भी धीरे नहीं बोलना है कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाए। तो इसलिए जब आप बोलें तो फ्लुएंसी का खास ख्याल रखें। जिस तरीके का सेंटेंस होगा, आपको बताया ना मैंने आपको कि एक्सप्रेशन है, प्रोनंसिएशन है, तो सेंटेंस का जो मोड होगा, सेंटेंस जिस तरीके का होगा उसके अनुसार आपको वहाँ पे जो है फ्लुएंसी का प्रयोग करना है। कभी धीरे बोलना पड़ेगा, कभी आपको मतलब तेज बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप बोलें तो आप एक सिंपल जो है स्मूथनेस के साथ जो है फ्लुएंसी का यूज़ करें, क्योंकि आपकी जो फ्लुएंसी है वो सामने वाले को जो है बाउंड रखेगी, मतलब सामने वाले को जो बांध कर रखेगी, और वो आपकी बात को सुनेंगे और साथ के साथ उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि फ्लुएंसी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगली बात मतलब नंबर 5 पे है क्लियरिटी, मतलब आप बहुत तेज बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज तो आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाले को आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही, स्पष्टता अगर नहीं है, अगर आप हर एक बातों को तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं तो शायद वो भी गलत हो जाएगा। तो क्लियरिटी का यहाँ पे अर्थ है कि जब आप बोलें तो बोलते समय जो है शब्दों को तरीके से और साफ साफ और पूरा पूरा बोलें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि वो मतलब बोल रहे हैं और आधा वर्ड मुंह के अंदर है और आधा ही बाहर निकला है, लगता है कि समझ भी नहीं आया है और क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा बोलना है, तरीके से बोलना है, क्लियर होके बोलना है, तभी मतलब सामने वाला समझ पाएगा। मेरे से बहुत से मतलब स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ ऐसी बातें बताई ताकि हम अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बना सकें, इम्प्रेसिव बना सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये 5 कीज जो मैंने 5 तरीके बताए, जो मैंने कीज का नाम दिया है, अगर आपको ये 5 तरीके आते हैं, अगर आप इनका यूज़ करना जानते हैं, जिसमें आपके प्रोनंसिएशन आ गई, ग्रामर आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, फ्लुएंसी आ गई और क्लियरिटी आ गई, अगर आपको ये 5 चीज़ें आती हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप जो बोल रहे हैं वो किस तरीके से और किस मतलब एक्सप्रेशन में बोलना है, किस वे में बोलना है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंग्लिश को बोलने के लिए आपकी प्रोनंसिएशन बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट अगर नहीं है तो प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकता है। ग्रामर भी आप अपनी प्रैक्टिस से जो है जेन्युइन बना सकते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एक्सप्रेशन जो है आपकी सेंटेंस में किस तरीके का दे रहे हैं। फ्लुएंसी बताया आपको मैंने कि ना तो हवाई जहाज चलानी है ना ही साइकिल चलानी है, ठीक है,
और क्लियरिटी की बात कहूँ अगर मैं, तो आप जो बोलें वो पूरा पूरा बोलें, आधा मुंह के अंदर, मतलब आधा खा के और आधा बोला, सामने वाले को ऐसा लगता है कई बार, तो ऐसा भी नहीं करना, आपको बिल्कुल पूरा पूरा बोलना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सही इंग्लिश कैसे बोलना है। मैं फिर से कह दूँ, लैंग्वेज इज़ द मिरर ऑफ पर्सनैलिटी। आपकी जो पहली पहचान है वो आपकी भाषा से होती है। अगर आपकी भाषा बेहतर है तो आप बेहतर माने जाएंगे, और अगर आपकी भाषा बेहतर नहीं है तो आप शायद अच्छे नहीं माने जाएंगे पहले अटेम्प्ट में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यू नीड टू जस्ट गेट अ प्रॉपर वे ऑफ स्पीकिंग टू मेक अ गुड स्पीकर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं मतलब समाप्त करते हैं, और आप जरूर बताइएगा कि आपको जो है मतलब आज के इस टॉपिक से क्या जानने को मिला, और आपने कितना मतलब इसको जो है समझा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे ये पांचों बातों को जो है दिमाग में रखिए, और मेरा मानना है कि आप एक अच्छे स्पीकर इंग्लिश के बन सकते हैं, हो सकते हैं। प्रॉब्लम आती है तो आपस में एक दूसरे शेयर कीजिए, या फिर आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव नाइस डे, हैव नाइस स्पीकिंग, थैंक यू, गुड बाय।